दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी प्राइस को लेकर, इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर, और दोस्तों बताने वाले हैं इसकी इंडियन लॉन्च डेट भी। तो दोस्तों, ऐसी ही सेम वीडियो हमने सैमसंग गैलेक्सी A51 की भी बनाई है। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं ऊपर कार्ड में लगा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फाइनली जो सैमसंग है दोस्तों, वो Q1 2020 में बहुत ही सारे फ़ोन लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, उन्हीं में से एक फ़ोन होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A71। तो दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी A71 होने वाला है दोस्तों, उसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वो होने वाली है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाली है पंच होल के साथ। तो दोस्तों, इसमें जो आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है 32 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, पीछे की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और वो भी होने वाला है स्क्वायर शेप में। दोस्तों, जो पीछे आपको कैमरा देखने को मिल रहा है उसमें जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। दूसरा सेंसर होने वाला है वाइड एंगल कैमरा, जो कि 12 मेगापिक्सल का होने वाला है। फिर आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और दोस्तों 5 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलने वाला है मैक्रो सेंसर। उसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलती है, सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों, हम बात कर लें इसकी बैटरी के, दोस्तों में आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी। और दोस्तों, इनबॉक्स आपको 25 वाट का सैमसंग के द्वारा 25 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, जो कि आपका फ़ोन कुछ 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट। और दोस्तों, इसके में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है स्नैपड्रैगन का 730 वाला प्रोसेसर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। लेकिन इस जो इसकी प्राइस बताई जा रही है 664 की, वो बताई जा रही है 36K। दोस्तों, अगर ऐसा होता है 36K पर आता है दोस्तों, तो दोस्तों ये फ़ोन थोड़ा ओवर प्राइस होगा, क्योंकि दोस्तों जो 730 है आपको प्रोसेसर, वो अभी देखने को मिलता है 20,000 से 25,000 के रेंज में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये अंडर 30 के अगर लॉन्च होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इसका जो हाईएस्ट वेरियंट होने वाला है वो 8128 होने वाला है, जो कि बताई जा रही है आपको प्राइस 40,000 रुपये। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये फ़ोन ज़्यादा नहीं चलने वाला है, पर जो सैमसंग लवर्स है दोस्तों, वो इस फ़ोन को ज़रूर खरीदने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में इसमें हम बात कर लें इसके बाकी की। तो दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ, ये जो फ़ोन होने वाला है ये फुल पैक होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं कब तक ये लॉन्च होता दोस्तों, है। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि जो सैमसंग गैलेक्सी A71 है दोस्तों, इसमें आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो ये फ़ोन है वो इंडिया में स्नैपड्रैगन के साथ आना चाहिए, या दोस्तों जो एक्सिनोस प्रोसेसर है उसी के साथ आना चाहिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।